दोस्तों, अब तक आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि सभी कंपनियों जैसे एयरटेल वीआई ने अपने रिचार्ज 25-20% महंगे कर दिए हैं। लेकिन अभी तक ये मिथ बना हुआ है कि आखिर ये रिचार्ज महंगे क्यों किए गए हैं, इनमें अचानक से इतनी बढ़ोतरी क्यों की गई है। जियो के अंदर अभी ये बढ़ोतरी नहीं की गई है क्योंकि ये लिस्ट में अभी शामिल नहीं हुआ है। लेकिन आगे चल के बता दूँ कि जियो भी इसी महंगे वाले लिस्ट में शामिल होने जा रहा है। जल्द ही जियो भी अपने रिचार्ज को महंगा करेगा। अब आपको वजह बताता हूँ कि आखिर इन्होंने रिचार्ज महंगे क्यों किए हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि जो रिचार्ज होते हैं एक यूज़र से, एक कंपनी को जो फ़ायदा होता है वो एवरेज पर रेवेन्यू के हिसाब से कंपनी उसको कैलकुलेट करती है। यानी कि एक यूज़र से इनका जो आंकड़ा लगाया जाता है, एक यूज़र से लगभग इन्हें 200 रुपये मिलने चाहिए। लेकिन वो 200 रुपये में इनका गुजारा नहीं हो रहा था क्योंकि इन्हें अभी हाल ही में कंपनी में 5G सर्विसेज लानी है और इन्होंने बहुत सारा कर्ज सरकार से ले रखा है। स्पेक्ट्रम के तौर पर जो नेट वगैरह हम यूज़ करते हैं तो वो स्पेक्ट्रम के तौर पर इन्होंने खरीद रखा है और वो कर्ज़ इन्हें सरकार को चुकाना है। और सरकार को चुकाने के लिए जो ये इनका एवरेज पर रेवेन्यू चल रहा है यानी कि 200 रुपये, तो वो सस्टेन करने के लिए काफ़ी नहीं है। यानी कि मार्केट में रुकने के लिए, सर्वाइव करने के लिए काफ़ी नहीं है। तो इन्हें अपना एवरेज पर रेवेन्यू 300 पर यूज़र पे लाना है। तो इसी के चलते अभी इन्होंने अपने रिचार्जेस को महंगा किया है। अब एवरेज पर रेवेन्यू जब 300 हो जाएगा तो इनके पास ज़्यादा पैसा आएगा तो ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी अपने यूज़र को ये दे पाएंगे और ज़्यादा स्पेक्ट्रम, ज़्यादा फैसिलिटीज़ सरकार से ख़रीद भी पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं, क्या जियो भी अपने रिचार्जेस को महंगा करेगा, और करेगा तो कब तक करेगा। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो को शुरू में ही बताया कि एयरटेल और वीआई ने अपने एवरेज पर रेवेन्यू को सुधारने के लिए इन रिचार्जेस को महंगा किया है। तो जैसे एयरटेल वीआई को अपने एवरेज पर रेवेन्यू को सुधारने की ज़रूरत है, इसी तरीके से जियो को भी इसी तरीके की ज़रूरत है। तो ये बात तो आप अपने दिमाग से निकाल लीजिए कि जियो अपने रिचार्जेस महंगे नहीं करेगा, डेफिनेटली करेगा। लेकिन एयरटेल और वीआई के मुकाबले ये रिचार्जेस थोड़े सस्ते हो सकते हैं क्योंकि आपको मालूम ही होगा कि एयरटेल और वीआई के मुकाबले मार्केट में जियो के रिचार्ज पहले से ही सस्ते हैं। यानी कि जहां पर जियो और वो एयरटेल और वीआई अपने रिचार्जेस को 250 रुपये में 1.5 GB रोज़ के हिसाब से प्रोवाइड करता है, इसी तरीके से जियो अपने 199 रुपये के रिचार्ज में ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था। तो जैसे कि एयरटेल और वीआई ने अपने रिचार्जेस को महंगा किया है, उसी के अकॉर्डिंग जियो अपने रिचार्जेस में थोड़ी बढ़ोतरी करेगा। एयरटेल और वीआई के मुकाबले इसके थोड़े रिचार्ज सस्ते आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे। जल्दी जियो भी अपने रिचार्जेस को महंगा करने की घोषणा कर सकता है। जैसे ही इसके ऊपर ऑफिशियल अनाउंसमेंट आती है, आपको इस यूट्यूब चैनल और मेरे टेलीग्राम चैनल पर दोनों पर अपडेट मिल जाएगा। तो दोनों को ज़रूर से ज्वाइन करके रखिए। नीचे लाल बटन होता है सब्सक्राइब का, वो सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके उसे ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आएगा आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। बस आज की वीडियो में मुझे आपको इसी से रिलेटेड जानकारी देनी थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा जिससे मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है।